हेलो गाइज, मेरा नाम है जैद और मेरा नाम है मोहम्मद इब्राहिम। तो गाइज, आपको पता होगा एक वीडियो बनाई थी इब्राहिम ने, जिसके अंदर दो लड़कों ने इसके साथ बहुत ज़्यादा बदमाशी करी थी, इसको तंग किया था। और इससे जो लास्ट वीडियो अपलोड हुई है हमारे चैनल पे, उसमें मैं उन लोगों को ढूंढ रहा हूँ। काफ़ी ज़्यादा ढूंढा मैंने, बहुत कोशिश करी मिल जाएँ, लेकिन वो नहीं मिले उस वीडियो में। और मैंने उस वीडियो के एंड में बोला था कि मैं उनको लाजमी ढूंढूंगा, और सीन कुछ ऐसा हुआ कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, यानी कि वो चीज़ की उम्मीद नहीं थी, ऐसा कुछ हुआ है। तो अभी मैं आपको चलो बताता हूँ क्या हुआ। आ जाओ बताता हूँ। तो गाइज, आप लोग कंफ्यूज होंगे कि वो जो वीडियो मैंने बनाई है उसके अंदर मैं बड़ा गुस्से में था और उनको ढूंढने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा था, और अभी ये मेरे सामने खड़े हैं और मैं इनको क्यों रिएक्ट नहीं कर रहा और इतना ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा, तो इस चीज़ से मैं भी खुद हैरान हूँ। भाई, अब आप ही खुद ही बताओ। हम आपको बहुत पहले से जानते हैं, आपके ब्लॉग भी देखे हैं, आपके फ्रेंड्स भी देखे हैं काफ़ी सारे। अच्छा, हमने सोचा आप लोगों के साथ फ्रेंड्स करें, लोगों को तंग करें, हम आपको तंग करें। हमने भी अपने कैमरे लगाए हुए थे, हम जानते हैं आपका कज़न है। अच्छा, इसके साथ प्रैंक करेंगे तो आप भी पीछे से लाजमी आओगे। बिल्कुल। तो गाइस, सिंपल सी बात ऐसी है कि इन्होंने अभी मुझे बताया, सीन कुछ ऐसा था, वो जो वीडियो मैंने बनाई ना जिसके अंदर मैं इन लोगों को ढूंढ रहा था, वो वीडियो इन लोगों ने देख ली। ठीक है, अब पूरा सीन ये है कि ये लोग मुझे बहुत पहले से जानते हैं, मैं प्रैंक वीडियोस बनाता हूँ, ये चीज़ इनको पता थी। ठीक है, और दूसरी बात, ये मेरे कज़न को भी जानते हैं, ये इसको भी जानते हैं कि ये मेरा जो है ना कज़न है। तो ये उस दिन वीडियो बनाने गया, तो ये इन लोगों ने इसको देख लिया। ठीक है, इन्होंने बोला यार जैद चुलबुले का कज़न वीडियो बना रहा है, इसको छेड़ते हैं। तो वो जो इन्होंने तंग किया है, छेड़ा, वो जानबूझ के छेड़ा है इस वजह से कि ये घर पे जाएगा और मुझे मिला के लाएगा। और इन्होंने क्या किया था, उसी दिन अपने कैमरे सेट रखे थे ये सोच के कि ये जब घर पर जाएगा तो मुझे लेकर आएगा उसी वक्त, और जब मैं आऊंगा तो ये लोग मेरे साथ एक प्रैंक वीडियो बनाएंगे, क्योंकि मैं सबके साथ प्रैंक करता हूं। तो उन्होंने बोला क्यों ना जैद के साथ। तो ये सीन हुआ। अच्छा, ये लोग तो प्रैंक नहीं कर पाए क्योंकि मैं उस दिन आया ही नहीं था। आप आए नहीं, मैं उसके अगले दिन आया। देखा, आप नेक्स्ट वीडियो में आए थे। हाँ, जब आप आए हम वहाँ थे नहीं। हाँ, अब मैंने नेक्स्ट वीडियो बना दी। उसके बाद हमने आपसे कांटेक्ट किया। हाँ, फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने कांटेक्ट किया, पहले इब्राहिम से कांटेक्ट किया। इब्राहिम ने मुझे बताया भाई ऐसा ऐसा सीन है। मैंने बोला भाई ये चीज़ मैंने पूरी रिकॉर्ड करी थी वीडियो के अंदर, तो ये चीज़ भी बताना जरूरी है। ठीक है, अगर आप मजाक कर रहे थे तो इट्स ओके, कोई मसला नहीं, हम भी मजाक करते हैं, सबके साथ मजाक करते हैं। ठीक है, जाहिर है, लेकिन अगर गलत बात है, जानबूझ के किया तो वो फिर गलत बात है, उसके लिए मैं खुद बात करना चाह रहा था आपसे। मैं बोलता भाई मिलो, क्या बात तो, है, हम तो एक जस्ट प्रैंक के मूड में थे, हमने भी अपने कैमरे सेट किए। अच्छा, लेकिन आप आए नहीं। हाँ, वो इत्तफाकन में नहीं आया उस दिन, तो इसने मुझे बताया भी नहीं। मैंने रात में जब घर पर आया ना, उसने मुझे वीडियो दिखाई, तब मुझे गुस्सा आया। मैंने बोला देखता हूँ यार ऐसे कैसे कोई बदमाशी करता है। लेकिन खैर, चलो, मजाक का प्रैंक था, मैं भी करता हूँ, सबके साथ मजाक मस्ती चलती रहती है। तो गाइस, बस ये एक छोटी सी अपडेट थी। इन्होंने पहले आके मुझे बताया, लेकिन मैंने बोला नहीं यार, ये मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि पहले मैंने एक वीडियो बनाई है बड़े गुस्से में, ऑडियंस वेट कर रही है उसके आगे के सीरीज का, आगे क्या सीन होने वाला है, दोनों मिलेंगे नहीं मिलेंगे। तो ऐसा वैसा कुछ नहीं है, भाई मिले हैं मेरे से, बहुत ही हम्बल है, वो सिर्फ वीडियो के अंदर थोड़ी बदमाशी कर रहे थे प्रैंक के चक्कर में। तो अभी हम लोग यहाँ पे मिले हैं, इंशाल्लाह बैठते हैं, चाय शाही पीते हैं, और बस ये छोटी सी अपडेट देनी थी। और कोई टेंशन नहीं है, हमारे भाई बिल्कुल अच्छे बंदे हैं, बात करने में कोई वो नहीं है। ठीक है, ऐसे कभी सच्ची में किसी से लड़ाई नहीं करना यार। ठीक है, तो खैर गाइस, इस वीडियो को मैं यहीं एंड कर रहा हूँ, बाकी इंशाल्लाह आगे की वीडियो बहुत अच्छी आने वाली है। और अभी हमको इजाज़त दी है, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।